हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, मैथ्स क्लास फाइव चैप्टर सिक्स है। चैप्टर सिक्स का इंट्रोड्यूसिंग वीडियो और एक्सरसाइज 24 पहले ही मैं बना चुका हूँ और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 25। लास्ट सेशन में मुझे एक्सरसाइज 25 के लिए बहुत सारे कमेंट मिले थे, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उस वक्त नहीं बना सका, लेकिन आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर इन इच पेयर। यहाँ पे एक पेयर दिया हुआ है और इस पेयर में से, इन दोनों में से मतलब कौन बड़ा है, ग्रेटर। यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेटर मतलब कौन बड़ा है, तो यहाँ पे एक बड़ा होगा तो एक छोटा हो जाएगा। इसको कैसे पता करेंगे, तो हम लोग पेपर पे बना लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर वन और इसका ए नंबर हो गया, तो यहाँ पे आसानी से हम कैसे इसको पता करेंगे कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए 7 और फिर इसको भी लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं बगल में और इसको इस तरह से कर देते हैं, ये यहाँ पे एरो लगा देते हैं और ये ऊपर जो जाएगा उसका वैल्यू इधर बनेगा 7 × 7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 7 हो गया, इसके सीधे में लिखेंगे 7 यहाँ आ गया और 9 × 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया, 9 बड़ा हो गया। इसको हम ऐसे कर देते हैं, मतलब ये बड़ा हो गया 1/7, ये ग्रेटर है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 1/7, तो 1/7 ये आंसर हो जाएगा इसका, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बी नंबर में ठीक उसी तरह से करना है, तो इसको हम लोग एक बनाने के बाद जो है सारा समझ में आने लगता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं। यहाँ पे 1/11 लिख लेते हैं और यहाँ पे 1/7, फिर इसको इस तरह से कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 11, इधर 11 आ गया और इधर 7 आ गया, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन हो गया, ग्रेटर ये हो गया 1/7, तो यहाँ पे इसका भी 1/7 आंसर होगा, 1/7 ये आंसर हो गया। उसके बाद सी नंबर ले लेते हैं, सी 1/3 और 1/9, तो यहाँ पे इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 × 3 यहाँ हो गया और 9 × 9, तो ये ग्रेटर कौन हो गया, इधर 1/3, तो इसका आंसर हो गया 1/3, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी ले लेते हैं, डी 1/17 और 1/25, थोड़ा सा बड़ा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन 1 ऊपर में दिया हुआ है इसलिए उतना ही आएगा, 17 × 17 आ गया इधर और इधर 25 × 25, तो 25 इसका ये बड़ा हो जाएगा, तो 1/17 ये आंसर होगा, 1/17 ये आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर इन इच पेयर। तो यहाँ पे जैसे हम ग्रेटर दिखा रहे थे, बस उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में स्मॉलर दिखाना है, तो जो स्मॉलर होगा हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ए नंबर और यहाँ पर 1/25 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ 1/23, तो इसको ये कर लेते हैं, 25 इधर आ गया और इधर आ गया 23, तो ग्रेटर कौन हो गया, ग्रेटर ये हो गया, ये स्मॉलर हो गया और हमको दिखाना है स्मॉलर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/25 ये आंसर हो जाएगा। बी नंबर में उसी तरह से दिखाते हैं, बी 1/11 और 1/17, 11 हो गया इधर, 11 × 11, 17 × 17, तो यहाँ पे ग्रेटर ये है तो स्मॉलर ये हो गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 1/17, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। और इसमें सी नंबर दिया हुआ है, सी 1/9 और 1/99, तो इसको इस तरह से कर लेते हैं और यहाँ पे 9 × 9 हो गया और 99 × 99, तो ग्रेटर ये हो गया, हमको स्मॉलर दिखाना है, तो ये जो है स्मॉलर है, 1/99 ये आंसर हो गया। लास्ट इसका डी नंबर, तो डी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है 1/15 और 1/23, यहाँ पे 15 × 15 हो गया और 23 × 23 ग्रेटर हो गया ये, तो हमको स्मॉलर दिखाना है, यहाँ पे 1/23 ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं,
क्वेश्चन नंबर थ्री में इस तरह का बड़ा छोटा और इक्वल का बॉक्स में जो है एक करेक्ट सेंटेंस पेज यहाँ पे लगेगा, उसको लगाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ही मिला लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर फाइव हो जाएगा और इधर नाइन हो जाएगा, मतलब ये बड़ा आ रहा है। तो जो बड़ा आता है उस तरह मुँह खुला हुआ रहता है, तो इधर मुँह खुला रखेंगे, ये बड़ा है, हो गया। उसके बाद इसमें वन बाई सिक्स दिया हुआ है और टू बाई ट्वेल्व, तो हम यहाँ से इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स टू जा ट्वेल्व हो गया और ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व हो गया, मतलब इसमें इक्वल आ रहा है। इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं इसमें, इक्वल। और यहाँ पे इसको थर्टीन वन जा थर्टीन इधर हो गया और एट वन जा एट इधर हो गया, तो यहाँ पे थर्टीन और ये एट, मतलब ये बड़ा है, तो इधर हम मुँह खुला रखेंगे इस तरह से, हो गया। और यहाँ पे नाइनटीन वन सेवेंटी नाइन, तो यहाँ पे इधर तो नाइनटीन हो जाएगा और इधर सेवेंटी नाइन हो जाएगा, तो बड़ा कौन है, सेवेंटी नाइन, तो वन बाई नाइनटीन, तो बड़ा ये है, इसको ऐसे कर लेंगे, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर, चेंज द फॉलोइंग हैविंग सेम डिनोमिनेटर। इसको इस तरह से चेंज करना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको तो पेपर पे बनाना पड़ेगा, तो हम लोग पेपर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर लेते हैं यहाँ पे, फोर, और इसको ए नंबर में दिया हुआ है वन बाय थ्री और थ्री बाय फाइव। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम करके हम दिखा देते हैं, ये फाइव हो गया, इसको जाने वाला है नहीं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री इंटू फाइव, फाइव इक्वल टू फिफ्टीन हो गया। तो फिफ्टीन इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, दोनों में फिफ्टीन लाना है, तो कैसे लाएंगे, इसको वन बाय थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि फिफ्टीन आ जाए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से। यहाँ फाइव ऊपर में भी लिखते हैं और नीचे में भी फाइव लिख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाता है, फाइव वन जा फाइव हो गया और यहाँ पे फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो गया, फिफ्टीन हो गया, इसमें फिफ्टीन आ गया। उसके बाद इसको लेते हैं थ्री बाय फाइव, तो थ्री बाय फाइव इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे फिफ्टीन आ जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री बाय थ्री, तो यहाँ पे थ्री थ्री जा नाइन हो गया और फिफ्टीन हो गया ये, तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, हो गया। अब जो है हम लोग बी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, बी, तो यहाँ पे नीचे में बी ले लेते हैं, तो बी में क्या दिया हुआ है, फाइव बाई ट्वेल्व और सेवन बाई एटीन, तो ट्वेल्व और एटीन का एलसीएम पहले ले लेते हैं, ये ट्वेल्व एटीन, टू से जा रहा है, सिक्स हो गया यहाँ पे और यहाँ नाइन हो गया, अब यहाँ टू से नहीं जाएगा, थ्री से जाएगा, थ्री टू जा सिक्स हो गया, थ्री थ्री जा नाइन, और इससे आगे जाने वाला नहीं क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर आ चुका है, तो यहाँ इसको कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व और ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स आ रहा है। इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर जो है वो थर्टी सिक्स बनेगा, तो यहाँ पर फाइव बाई ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्टी सिक्स बनेगा, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, तो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री, तो यहाँ पे फाइव थ्री जा फिफ्टीन हो गया और यहाँ पे हो गया थर्टी सिक्स। उसके बाद सेवन एटीन, तो एटीन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थर्टी सिक्स मिलेगा हमको, एटीन टू जा थर्टी सिक्स होता है, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू सेवन टू जा फोर्टीन हो गया और यहाँ पे थर्टी सिक्स, ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। और इसके बाद दिया हुआ है सी नंबर का, टू बाय नाइन और सेवन बाय ट्वेल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो नाइन और ट्वेल्व का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितने बार में जाएगा, ये थ्री बार में जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो ये इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो टू से ले लेते हैं, थ्री और यहाँ पर हो गया टू, तो इसका मतलब है कि सेम कंडीशन जो पहले आया था, थ्री टू जा सिक्स हो गया, सिक्स थ्री जा एटीन और एटीन टू जा थर्टी सिक्स, मतलब इसमें भी थर्टी सिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें भी थर्टी सिक्स हमको डिनोमिनेटर में लाना है, तो टू बाई नाइन इंटू नाइन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्टी सिक्स आएगा, तो फोर से करना पड़ेगा क्योंकि नाइन फोर जा थर्टी सिक्स होता है फोर, तो फोर टू जा एट हो गया यहाँ पे और नाइन फोर जा थर्टी सिक्स और यहाँ पे सेवन बाय ट्वेल्व, तो ट्वेल्व को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि थर्टी सिक्स आएगा, थ्री से, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स,
तो यहाँ पे 7 3 21 हो गया और ये 36 यहाँ हो गया, तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलर। अब यहाँ पे इसमें स्मॉलर मतलब छोटा कौन है, तो 2 नंबर में जो हम बनाए थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम डायरेक्ट बना देते हैं क्योंकि 2 नंबर में डिटेल में तो बना चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि ये 15 2 जा हो गया तो 30 इधर आ गया, और 5 4 जा 20 20 इधर आ गया, 30 इधर है 20 इधर है, 20 कम होता है मतलब ये छोटा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 बाय 15 4 बाय 15 ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे उसी तरह से कर लेते हैं, यहाँ पे 4 1 जा 4 इधर आ गया और 6 1 जा 6 इधर आ गया, तो इधर 6 है इधर 4 है, तो इसका मतलब है कि 4 ये जो है ये स्मॉलर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बाय 6 ये आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56 हो गया, इधर 56 है और इधर 11 3 जा 33 33 छोटा होता है 56 बड़ा होता है, 33 इधर है तो 3 बाय 7 3 बाय 7 ये आंसर हो गया इसका। उसके बाद इसमें 18 2 जा 36 इधर है और 9 5 जा 45 तो 45 बड़ा होता है 36 छोटा होता है, तो इधर वाला आंसर होगा 2 बाय 9 2 बाय 9 ये हो जाएगा। उसके बाद ई नंबर में 12 3 जा 36 हो गया, तो 36 इधर है और 4 7 जा 28 तो 28 छोटा होता है 36 बड़ा होता है, तो मतलब 7 बाय 12 ये आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बाय 12 ये आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 9 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 9 जा 99 99 इधर आ रहा है और 18 7 जा हो जाएगा 126 और यहाँ पे 99 इधर 99 है इधर 126 है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो 11 बाय 18 ये आंसर हो जाएगा 11 बाय 18 ये आंसर हो गया। और यहाँ पे आगे 12 8 जा 96 होता है और 15 5 जा 75 होता है, तो यहाँ पे 75 हो गया और यहाँ पे 96 हो गया 75 96, तो 75 छोटा होता है मतलब 5 बाय 12 5 बाय 12 ये हो गया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पेज नंबर पे दिया हुआ है 11 और 12 को करेंगे मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बड़ा नंबर है इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ पे 12 11 जा 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पर 12 हो गया, तो ये हो गया 2 3 1 132 आ गया इधर। उसके बाद यहाँ पे 21 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 हो गया, 7 2 जा 14 तो इधर आ गया 147 132 इधर हो गया, तो 132 जो होता है वो छोटा होता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 11 बाय 21 11 बाय 21 ये इसका आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अरेंज करने के लिए है, ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा और इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर सेम रहता तो समय नहीं लगता, लेकिन डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। यहाँ पे देख रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटा से बड़ा सजाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेपर पर ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 नंबर लेते हैं और ए नंबर, सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा 3 15 5 एलसीएम ले लेते हैं 3 15 5 किससे जाएगा, 3 से जाएगा 1 हो गया और यहाँ पे 5 3 जा 15 5 और यहाँ भी 5 हो गया और फिर यहाँ पे 5 से लेंगे तो 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो मतलब 15 आ रहा है, तो सब डिनोमिनेटर इसका जो है सबको 15 बना देना है, तो यहाँ पे बना देते हैं इसको 2 बाय 3 15 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इक्वल टू क्या हो गया 5 2 जा 10 और यहाँ पे 15 हो गया, एक बन गया। अब दूसरा बनाते हैं, दूसरा तो ऑलरेडी है ही तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको जैसे तैसे छोड़ देते हैं,
ये ऐसे ही है। उसके बाद एक यहाँ पे लेते हैं 4/5, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 4 3 12 हो गया 12, और यहाँ पे हो गया 15। अब सीरियल नंबर से इसको हम ले लेते हैं, एक ये लेना पड़ेगा ये और ये। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 10/15, 14/15 और 12/15, ये हो गया। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए आपको सिंपली जान लेना है कि जो ऊपर में, देखिए आप नीचे तो इक्वल हो गया, ऊपर में देखना है और जो बड़ा है वो बड़ा और जो छोटा है वो छोटा। तो यहाँ सबसे छोटा 10 है और सबसे बड़ा 14 है, तो हमको सजाना है छोटा से बड़ा। तो छोटा कौन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 10/15, उसके बाद ये आ जाएगा 12/15, उसके बाद आ जाएगा 14/15, ये हो गया। तो 10/15 बना था 2/3 से, तो यहाँ पे इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ पे 2/3 लिख लेंगे, फर्स्ट में हो गया। और 12/15 बना था 12/15, यहाँ से देख रहे हैं 12/15 ये है, तो ये 4/5 से, तो यहाँ 4/5 लिखेंगे। और लास्ट में जो है ये 14/15 तो वैसा ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। फोर्टीन बाई फिफ्टीन यहाँ पे हो जाएगा 14/15, और ये आंसर हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। इसी तरह से सबको बनाना है। क्वेश्चन नंबर बी ले लेते हैं। बी यहाँ पे दिया हुआ है 4, 12, 18 और 6। सबका एलसीएम ले लेते हैं पहले। 4, 12, 2 से तो जा रहा है, इसको 2 से ले जाते हैं, 2, 2 जा 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। फिर 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, यहाँ दो नंबर जा रहा है, तो यहाँ 2 ले लेते हैं, 1 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 9 रह गया और 3 रह गया। अब 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3, 1, 1, 3 और ये 1, इससे आगे ये जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, 2 जा 4 हो गया, और 4, 3 जा 12 हो गया, 12, 3 जा 36, इसका आंसर आएगा 36। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको 36 नीचे में बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, इसको डायरेक्ट हम बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। 36 बनाना है तो 4, 9 जा 36 होता है, तो यहाँ 9, 3 जा 27 कर देते हैं, 27 हो गया, और यहाँ पे हो गया 36, एक हो गया। उसके बाद 12, 3 जा 3 जा, इसका मतलब है कि 7, 3 जा 21 और 12, 3 जा 36। उसके बाद यहाँ पे 2 से करना होगा, तो 5, 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पे 36 हो गया। उसके बाद 6, 6 जा 36, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6, 5 जा 30 हो गया, 6, 6 जा 36, ये आ गया। अब इसको सीरियल ढंग से सजा लेना है, तो सबसे छोटा कौन है, ये है 10/36, और उसके बाद ये हो गया 21/36, उसके बाद 27/36, और ये हो गया लास्ट में 30/36। अब ये किससे बना था, तो ये 3 नंबर में, तो 5/18 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह का चिन्ह लगाना है, ये छोटा से बड़ा, तो यहाँ पे भी हम चिन्ह इस तरह से लगाएंगे, ये हो गया। तो 21/36 जो है ये दूसरे नंबर पे ही मिला था, तो दूसरा नंबर में दिया 7/12 हो गया। उसके बाद 27, तो 27 फर्स्ट में मिला था, तो 3/4 दिया हुआ है, 3/4। उसके बाद लास्ट में जो है 30, तो वो लास्ट में ही जो था वही वाला है, तो 5/6, ये इसका आंसर हो गया, हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, एक्चुअली यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 4, 12, 6 और 9। 2 से पहले लेते हैं, ये हो गया 2, 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 9 रह गया।
उसके बाद 2 से फिर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 रह गया और ये 9 यहाँ रह गया। अब ये 2 से जाने वाला नहीं है, 3 से ले जाते हैं, 1 हो गया 1 और 3, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, इसमें भी वही आ रहा है, 36 आ रहा है। तो सबको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 36 बनाना है तो 4 9 जा, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 9 3 जा 27 बाय 36। उसके बाद यहाँ पे 12 से 3 बार में, 5 3 जा 15 हो गया और यहाँ पे 36 हो गया, 6 बार में तो 6 1 जा 6 हो गया और यहाँ पे 36 हो गया, और 4 बार में यहाँ तो 7 4 जा 28 और 9 4 जा 36, ये हो गया। अब जो है सबसे छोटा कौन है, छोटा ये है, ये सबसे पहले ये आ जाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर अब करते हैं। सबसे छोटा ये है और ये जो है सबसे छोटा, इसका मतलब ये हुआ, तो 1 बाय 6 हो गया। तो ये जो है सबसे छोटा है, इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, इससे बड़ा कौन है, 15, 5 बाय 12, 5 बाय 12, इससे बड़ा 27, 3 बाय 4, और लास्ट में हो जाएगा 28, तो ये 7 बाय 9, ये आंसर हो गया, ये कंप्लीट हुआ सी। उसके बाद डी नंबर लेते हैं, डी नंबर में क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, 16, 2 से लेते हैं, 8 हो गया, 4 हो गया, 5 और 10, फिर 2 से लेते हैं, 4 हो गया, 2 5 और 5, फिर 2 से लेते हैं, 2 1 5 5 रह गया, अब 2 से जाने वाला नहीं है, 5 से जाएगा, 2 रह गया, 1 1 1, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40 और 40 2 जा 80 हो गया, इसका आंसर आ गया 80, मतलब सभी का डिनोमिनेटर 80 बनाना है। तो 16 का टेबल पढ़ने से 80 कितने बार में आता है, 16 5 जा 80 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25 हो गया और यहाँ पे 80 हो गया, और यहाँ पे 10 बार में जा रहा है, तो 7 7 10 जा 70 हो गया और यहाँ पे 80 हो गया, और इसको 8 से 9 8 जा 72 और यहाँ पे 80 हो गया। यहाँ पे 20 का टेबल पढ़ने से 80 लाना है, तो यहाँ पे 2 4 जा 8 होता है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 17 4 जा 68 हो जाता है बाय 80। अब यहाँ पे देखना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो सबसे छोटा कौन है, ये है, इसका मतलब ये, तो इसको ही रखते हैं 5 बाय 16, और इससे बड़ा, इससे बड़ा ये 68 हो गया, तो 17 लिखते हैं, 17 बाय 20, और इससे बड़ा 70, मतलब 7 बाय 8, 7 बाय 8 हो गया, और लास्ट में 72, 9 बाय 10, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ई नंबर पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर ई, और सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे है 3 2 से जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर 2 से जा रहा है, 3 रख लेते हैं, 9 भी रह जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से नहीं जाने वाला है, 3 से जाएगा, 3 1 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर ये 3 से जाएगा, तो 3 ले लेते हैं, 1 हो गया 1 हो गया और यहाँ 2 और यहाँ पे 1, अब इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, इसका भी एलसीएम 36 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सबके नीचे हमको 36 लाना है, तो यहाँ पे 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 36 आएगा, या किसके टेबल में 36 आता है, 12 का टेबल में, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो गया, 24 हो गया और यहाँ पे 36। उसके बाद 9 4 जा 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16 हो गया और यहाँ पे 36, 12 3 जा 3 से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 और यहाँ पे हो गया 36, और फिर यहाँ पे 18 2 जा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया और यहाँ पे 36। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, ये है, इससे बना है, तो इसके लिए लेते हैं यहाँ पे 5
बाय 18, ये सबसे छोटा है। उसके बाद आ गया 16, तो 16 4/9 से बना हुआ है, 4/9। उसके बाद ये है 21, तो 21 इससे बना है, 7/12। और सबसे बड़ा हो गया ये है 24, तो ये 2/3 से बना हुआ है, 2/3। ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ, ये हो गया एफ नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले एलसीएम इसका लेते हैं 5, तो ये 2 से जा रहा है, 5 रख लेते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 2 10 15 रख लेते हैं, और यहाँ पे 15 2 30। अब ये 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 1 हो गया, यहाँ भी 1 और 3 यहाँ पे, और यहाँ भी 3, तो यहाँ पे एक बार और 3 से जाएगा, 3 1 हो गया, यहाँ भी 1 और सब जगह 1 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, 15 2 30 एलसीएम इसका 30 आ गया, तो सबके नीचे 30 लाना है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 6 30 होता है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 1 6 हो गया 30, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 3 30 होता है, तो 3 3 9, और यहाँ पे 30 आ गया, और यहाँ पे 15 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 14, यहाँ पे हो गया 30, और यहाँ पे 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, ये 11/30। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा ये है 6 1/5, तो 1/5, और इससे बड़ा है 9, ये हो जाएगा, तो ये किससे बना है, 3/10। उसके बाद ये हो जाएगा 11/30, और सबसे बड़ा है 14/30, मतलब 7/15, 7/15, ये हो गया, इसका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। जैसे कि हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा सजाए थे, तो यहाँ पे बड़ा से छोटा सजाना है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा था, सारे डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ा था, उसके बाद हम इसको सजा पाए थे, तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख नहीं पाएगा, इसीलिए मैं 7 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए नंबर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम यहाँ पे 7 14, तो यहाँ पे 2 से जा रहा है, 2 नंबर जा रहा है यहाँ 2 से, 7 को रख लेते हैं, ये 7 हो जाएगा, और ये 21 रह जाएगा, और यहाँ पे 21 2 42, और यहाँ पे अब 3 से जाएगा, 3 से 7, यहाँ 7 और यहाँ पे 7 और यहाँ भी 7, अब 7 से ही जाएगा, तो 7 1 हो गया, 7 3 20 21 हो गया, 21 2 42 होता है, इसका मतलब है कि इसका एलसीएम 42 हो गया, सबके नीचे 42 लाना। तो यहाँ पे 7 का टेबल कितना बार पढ़ने से 42 आता है, 6 बार, 7 6 42, तो इस ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 2 12 हो गया, और यहाँ पे 42, और यहाँ पे 14 का टेबल पढ़ने से 3 बार में, तो 5 3 15 हो गया, और यहाँ पे 42, और 21 2 बार में, तो 8 2 16, और यहाँ पे 42, और यहाँ पे ऑलरेडी 42 है ही, तो ये जैसे तैसे रह जाएगा 42। तो यहाँ पे सबसे हम लोग क्या करना है, बड़ा से छोटा सा जाना, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 16 है, मतलब 8/21, और ये सबसे बड़ा है, तो हम इस तरह का चिन्ह लगाएंगे बड़ा। तो उसके बाद 15 है, तो 5/14, उसके बाद 12 है, तो 2/7, और सबसे छोटा है 11/42, तो ये 11/42, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर में ले लेते हैं, बी नंबर, ये हो गया क्वेश्चन, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 4 8 2 2 से 2 4 6, फिर 2 से जाएगा 2 1 2 3, इससे आगे नहीं जाएगा, ये प्राइम नंबर है, 3 2 6 हो गया, 6 2 12 और 12 2 24,
8 3 24, तो यहाँ पे 24 आ गया, सबके नीचे हमको 24 लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 वन जो 12 हो गया, ऊपर में 24 और 4, यहाँ 4 है तो 4 सिक्स जा 24 होता है, 6 सिक्स 3 जा 18 हो गया, 4 सिक्स जा 24 और यहाँ पे 8 3 जा तो 7 3 जा 21 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 24, ये हो गया। सबसे बड़ा यहाँ कौन है, सबसे बड़ा है 21, मतलब 7/8, 7/8 ये सबसे बड़ा है, इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद 18 आ रहा है 3/4, उसके बाद 12 आ रहा है 12, तो 1/2, और इससे छोटा, सबसे छोटा जो है 10 है, तो मतलब 5/12, ये हो गया इसका आंसर, कंप्लीट हो गया बी नंबर। अब सी नंबर पे आते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, 2 से जा रहा है 2, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, यहाँ पे 15 रह जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा और 2 10, 10 जा 20, 10 2 जा, और यहाँ पे 2 से नहीं जा रहा तो यहाँ 5 से जाएगा, 5 1 3 1 2, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया और 10 2 जा 20, 20 3 जा 60, तो यहाँ पे 60 हो गया। इसका मतलब है कि सबको 60 बनाना है, तो इसको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 5 जा 60 होता है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 3 जा यहाँ पे 36 लिख लेते हैं और यहाँ पे हो गया 60, और इसको 60 बनाने के लिए 4 बार में तो 8 4 जा 32, 60 हो गया, और यहाँ पे 6 से 9 6 जा 54 और यहाँ पे हो गया 60, और ये 23 बार में, तो 17 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं, 17 34 33 51, 51 और यहाँ पे हो गया 60। अब ये कंप्लीट हुआ, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 54, इससे बना 9/10, ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा कौन है, ये है 17/20, और इससे छोटा 36 3/5, ये हो गया, और लास्ट में सबसे छोटा हो गया 32 8/15, ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया सी। डी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो डी नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे डी, ये डी नंबर का क्वेश्चन, और इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 9 36, 2 से जा रहा है 9 रख लेते हैं, 18 2 36 18 हो गया, 9 2 18 और ये 3 रह गया, अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 3 3 जा 9 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 1, फिर 3 से एक बार ले जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 1 1, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, 3 3 जा 9 हो गया, 9 2 जा 18 और 18 2 जा और 36 हो गया, 36 सब में लेके आना है, तो 36 9 4 जा 36 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20 यहाँ पे आ गया 36, और यहाँ पे 36 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पे जैसे तैसे रह जाएगा, और यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 2 जा 36, तो 2 5 2 जा 10 हो गया, और यहाँ पे 36, यहाँ पे 3, तो कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 3 जा 36 होता है, 12 1 जा 12 हो गया, और यहाँ पे 36, ये हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये है 20, तो इसको लेते हैं 5/9, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन है, उसके बाद 17, तो 17 जो है वैसे ही है 17/36, और इससे बड़ा नहीं, इससे छोटा है, तो इससे छोटा कौन है, 12, तो यहाँ पे 12 किससे बना, 1/3, और सबसे छोटा है 10, 5/18, 5/18, ये हो गया इसका आंसर,
कंप्लीट हो गया। ई नंबर लेते हैं 4। सबसे पहले क्या करेंगे, कैल्शियम लेंगे, कैल्शियम ले लेते हैं 3 6। यहाँ पे 2 से पहले लेते हैं, 3 रह जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2। अभी भी 2 से जा रहा है, 3 3 रख लेते हैं, और यहाँ पे 2 2 जा 4 1। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 1 हो गया, 1 हो गया 2 1। 3 2 जा 6 हो गया, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम 24 आ रहा है, सबके नीचे 24 लाना है। अब यहाँ पे 3, तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 हो गया 24। यहाँ पे 4 बार में 6 4 जा, तो यहाँ पे 5 4 जा 20 24। 3 बार में 7 3 जा 21, यहाँ 24 हो गया, और यहाँ पे 4 4 6 जा 6 बार में, तो 6 3 जा 18 18 बाय 24, ये हो गया। अब सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे सबसे बड़ा 21 21 सबसे बड़ा है, तो 21 किससे बना है, 7 बाय 8 7 बाय 8, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 20 आ रहा है, 5 बाय 6 5 बाय 6। उसके बाद 18, तो इससे सबसे ये छोटा हो गया, ये 3 बाय 4, और सबसे छोटा हो गया 16 2 बाय 3, ये इसका आंसर हो गया। ये एफ नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम हम लोग लेंगे 9, 2 से तो जा रहा है, 2 से ले लेते हैं, ये 9 रह जाएगा, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और 18 2 36, यहाँ 18 हो गया, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 यहाँ 9 3 2 और यहाँ पे 9 2 जा 18। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से ले लेते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 2 रह गया, और ये 3 एक बार फिर 3 से जाएगा, 3 1 1 2 1 और नहीं जाने वाला है, तो यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12 1 बच गया, और यहाँ पे 6 और 1 7 हो गया 72। इसका मतलब है कि यहाँ पे सब में 72 लेके आना, तो 9 9 का टेबल कितने बार 72 आता है, 9 8 जा 72 8, तो यहाँ पे 8 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 7 8 जा 56 और यहाँ पे आ गया 72। 12 का टेबल में कितना बार में आता है, 6 बार में, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, यहाँ पे 72 आ गया, और यहाँ पे 8 8 9 जा 72, तो 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 3 जा 27 36 2 जा 72, तो यहाँ पे 2 बार में, तो यहाँ 25 2 जा 50 हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा, 72 ये हो गया। अब सबसे बड़ा यहाँ कौन है, सबसे बड़ा 56 है, तो ये इससे बना हुआ है 7 बाय 9, ये सबसे बड़ा है, और उसके बाद 50, तो 50 25 बाय 36, और उसके बाद कौन बड़ा है, इसके बाद ये 30 है, 30 5 बाय 12 से बना हुआ है, 5 बाय 12, और लास्ट में रह गया ये 27 सबसे छोटा है, 3 बाय 8 3 बाय 8, तो ये हो गया इसका आंसर, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ है, देर आर सम पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स इन ए शॉप, एक दुकान में कुछ पोटैटो चिप्स का पैकेट है, रजनी बाउट 1/3 ऑफ द पैकेट्स, वहाँ जितने भी पैकेट्स है उसका 1/3 रजनी खरीद लेती है, एंड विक्की बाउट 1/7 ऑफ द पैकेट्स, और विक्की जो होता है वो 1/7 उसका खरीद लेता है, जितना पैकेट्स रहता है, इच पैकेट कॉस्ट 20 रुपीज़, हु पेड लेस मनी, तो यहाँ पे रुपीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कौन कम पैसा चुकाता है, कम पैसा चुकाता है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो कम पैकेट लेगा वो कम पैसा चुकाएगा, तो इस इन दोनों में से कौन कम लिया, तो इसको जैसे कंपेयर किए थे उसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रजनी, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, रजनी रजनी कितना पैकेट खरीदती है, 1/3, और विक्की
विक्की कितने पैकेट खरीदता है? विक्की इक्वल टू 1/7। तो कौन कम पैकेट खरीदता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम कम या ज़्यादा जो होता है जैसे हम चेक करते हैं उस तरह से चेक कर लेंगे, 1/3 और 1/7, इसको इस तरह से करके हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। तो ज़्यादा कौन लिया, ये लिया, ये कौन है, रजनी। तो कम कौन लिया, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये जो है कम पैकेट लिया, कम पैकेट लिया तो ये कम पैसा चुकाएगा। तो कौन है ये, विक्की है, 1/7 विक्की। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्की, विक्की पेड लेस मनी, ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जो लास्ट क्वेश्चन है। विशाल एंड अब्दुल सेट फॉर एन एग्जामिनेशन। विशाल और अब्दुल एक एग्जाम में बैठे हुए हैं। विशाल फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन अर्लियर बाय 1/4 ऑफ द टोटल टाइम। विशाल जो रहता है वो जितना भी समय दिया हुआ है उससे 1/4 टाइम पहले ही कंप्लीट कर लेता है। अब्दुल फिनिश्ड अर्लियर बाय 1/5 ऑफ द टोटल टाइम। टोटल टाइम का 1/5 टाइम जो है वो पहले कंप्लीट करता है। एक्चुअली यहाँ पे ये टाइम जो है इन लोग बचा लेता है, ये इतना टाइम बचाता है और ये इतना टाइम बचाता है। हु टुक मोर टाइम इन राइटिंग द एग्जामिनेशन। किसने परीक्षा में ज़्यादा लिखा, ज़्यादा देर तक लिखा, तो जो ज़्यादा समय बचाएगा वो कम देर लिखेगा और जो कम समय बचाएगा वो ज़्यादा देर लिखेगा। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं सिर्फ, या डायरेक्ट बनाने का ये नियम हो गया, अदरवाइज इसको लॉन्ग बनाएंगे तो लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस ही ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया, ये विशाल का हो गया ये 4 और यहाँ पे 1/5 हो गया। तो इसको इस तरह से कर लिया तो क्या पता चला, ये 4 1 4 ये हो गया और 5 1 5 ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ये टाइम बचाने का ये जो है ज़्यादा आया, तो इसने टाइम ज़्यादा बचाया, तो बचाया मतलब इसने कम लिखा, कम देर तक लिखा, और इसने जो है कम समय बचाया, इसका मतलब है कि इसने ज़्यादा देर तक लिखा। तो ये कौन है, 1/5, 1/5 जो है अब्दुल है, इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल, ये इसका आंसर हो गया, अब्दुल टुक मोर टाइम। यहाँ पे एक्सरसाइज 25 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।